हेलो एवरीवन, लिटिल थिंग्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम आपकी हेल्प करने वाले हैं अपने कार्ड और कैश से ओवरलोडेड पर्स को थोड़ा हल्का करने में, और वो भी एक ऐप के हेल्प से जिसका नाम है डिजी लॉकर। सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ रखने के बावजूद डॉक्यूमेंट्स टाइम पर कभी नहीं मिलते, और ये ऐप आपकी उन सब में हेल्प करेगा। डिजी लॉकर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का इनिशिएटिव है अंडर डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। सो इस ऐप में आप ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल के मार्कशीट और भी ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। इस ऐप के हेल्प से आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हर जगह ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि काफ़ी दूर अगर आपको जाना है या किसी फॉरेन लैंड पे जाना है तो ऑब्वियसली किसी अलग से डॉक्यूमेंट या फाइल में उन सारे डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं। इस ऐप के ई डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप डॉक्यूमेंट्स को किसी भी गवर्नमेंट एजेंसीज में ऑथेंटिसिटी के लिए दिखा भी सकते हैं या फिर शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए। प्ले स्टोर ऐप ओपन करके इसके सर्च बार पे यहाँ पे डिजी लॉकर आपको टाइप करना है। जो पहला ऐप आपको दिखा रहा है उसी ऐप पे क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं इस ऐप को ऑलरेडी 4.4 रेटिंग मिल चुकी है और इसे काफी लोग यूज भी करते हैं। सो हमारा ऐप अब डाउनलोड हो चुका है और अब हम इसके ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, ये हमारा ऐप खुल गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यानी कि पैन कार्ड, आप सब कुछ यहाँ इस ऐप में एक ही जगह संभाल के रख सकते हैं। अपने स्कूल सर्टिफिकेट से लेके अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स तक भी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इस ऐप में लॉग इन या साइन अप किया जाए। गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करके हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं जिसमें साइन इन एंड क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है। तो हम न्यू है डिजी लॉकर में, सो इसलिए हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये पेज खुल गया जहाँ हम अपने नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, मोबाइल नंबर देना है, पिन सेटअप करना है, फिर आधार और ईमेल आईडी देना है। जो मोबाइल नंबर देंगे उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के हमें सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ओके, तो हमारा साइन अप हो चुका है। तो चलिए अब हम साइन इन करते हैं। साइन इन बटन पे हम क्लिक करके ओके, ये नेक्स्ट लॉगिन पेज में अब हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है और जो पिन हमने सेटअप किया था साइन अप करते वक्त वो वाला पिन डालना है। पिन हम डाल चुके हैं और हमारा पिन सही है, इसीलिए हमें अब ओटीपी अब डालना है जो मोबाइल नंबर पे ही आएगा, और ये फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। चलिए अब हम इसमें आधार अपना डालते हैं। इस स्टेप को एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स खुद से डाल पाएंगे। हम इस आधार कार्ड पे क्लिक करते हैं। सो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लॉग इन पेज में आ गए। यहाँ पे आधार कार्ड पे क्लिक करके यहाँ पे हमारे सामने एक पॉपअप आ गया है जिसके चेक बॉक्स को हमें चेक करके ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, सो अब हमारे आधार से जो लिंक्ड नंबर है उसी पे ओटीपी भी आएगा। ध्यान रहे दोस्तों, इस डिजी लॉकर में अकाउंट उसी नंबर से बनाएगा जिस नंबर से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लिंक्ड है। तो इस तरीके से हमने अपना पैन, यूएन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ इसमें डाल लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपका यूएन कार्ड दिखाई देगा जिसमें सारे डिटेल्स दिखाई देंगे। आप उन सारे डिटेल्स को वेरीफाई करके अपने पास रख सकते हैं। ये हमारा पैन कार्ड और ये हमारा आधार कार्ड, इसमें भी सारे डिटेल्स बिल्कुल सही है। तो चलिए हमारा डिजी लॉकर पे तो काम शुरू हो चुका है, आप भी शुरू कीजिए। इस पे व्यू, शेयर एंड डाउनलोड पीडीएफ करके आप सारे पीडीएफ को रख सकते हैं। आप सबके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने स्टेप्स को रेड मार्कर से नंबरिंग करके मार्क कर दिया है। जो कोई भी डाउट हो इसके अलावा आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी।